क्वेश्चन साइंस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 है। अगर इसे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 23 क्या है, हमें यहाँ पे गिवन फिगर है ना, फिगर हमें गिवन हुआ है, तो हमें ऐसे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे अगेन एयर है, यानी कि कहीं ना कहीं बेंटिंग वाला काम चल रहा है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और ऐसा हमारा क्वेश्चन भी है। क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास है ना, एयर टू ग्लास, ठीक है। यहाँ का हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज, तो हेमिस्फेरिकली ग्लास स्लैब के पास हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, कहाँ से, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, यही पॉइंट ओ पे हमें यहाँ बताना है कि कितना होगा। चलिए बताते हैं, चलिए बताते हैं। आपको क्या पता है, आपको पता है कि जब इस टाइप से आपका रिफ्रैक्शन सरफेस होता है, रिफ्रैक्टेड सरफेस होता है, एक सेकंड इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। अगर इस टाइप से आपका रिफ्रैक्टेड सरफेस होता है, आपको पता है कि यहाँ से अगर किसी एंगल से आता है इस तरह से, यहाँ से रिफ्रैक्टेड होने के पास वो थोड़ा बेंट हो जाता है, इस टाइप से हमें बेंट होता हुआ नज़र आता है ना। और उसी टाइप से आपको पता है, उसी टाइप से आपको पता है, क्या पता है कि अगर ये परपेंडिकुलरली आता है, इसके सरफेस के क्या आता है, परपेंडिकुलरली आता है, तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ चला जाता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ चला जाता है। लेकिन हमसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई लाइन ऐसे जाता, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, लेट अस सपोज ऐसे आता, कोई लाइन ऐसे आता, ठीक है, ऐसे आया और उसी डायरेक्शन में दोबारा मुड़ जाता, तो हम लोग बोलते हैं एंगल है 180 डिग्री। कितना है, एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि एक इधर से एंगल आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हुआ, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वहां पर एंगल जो है आपका एकदम 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है, तभी तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, अदरवाइज तो स्ट्रेट लाइन फॉलो ही नहीं करता अगर एंगल हमारा 0 डिग्री नहीं होता। यानी कि अगर इस टाइप से स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री इज द राइट आंसर। समझ में आया कि कैसे हमने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।